जनपद बुलंदशहर में बारात से लौट रही दुल्हा दुल्हन की कार पर ताबड़तोड़ हमला कर पहले मारपीट के बाद में लूट को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश। बता दें कि सारी घटना बुलंदशहर के खुर्चा नगर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां बुर्ज चौकी के निकट स्थित एक मैरिज होम में अलीगढ़ से आई बारात में मामूली कहा सुनी हो गई। बीच बचाव के बाद विवाद को शांत किया गया। बारात विदा होने के बाद कुछ दूरी पर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष रोड पर दबंगों द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित परिवार ने 8 से 10 दबंगों द्वारा गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ व महिलाओं से मारपीट करने का आरोप लगाया। साथ ही दबंगों पर दूल्हे की 1 लाख रुपए की नोटों की माला भी लूट ले जाने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने दावा किया कि लूट की घटना झूठी है, बाकी तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया ब्यूरो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? मेरा नाम जहीर है। चौकी आयो, क्या मामला? मामला यह है, चौकी में आए हम जी कि हमारी लड़की की अलीगढ़ से शादी हो, बारात आई थी। ठीक। बारात आने के बाद में थोड़ी सी उससे कैनकानी हो गई। वो रिश्तेदार आ जन कौन था, हमने कोई उसको कुछ नहीं बोला और उसने 10-5 नोटे बुला के नहीं, और उसने यहाँ 1 लाख रुपए का हार था वो ले गया, और उसके संग में 10-5 नोटे हैं रामा मूर्ति के पास, उन्होंने तोड़फोड़ करी है। किस चीज़ में तोड़फोड़ करी? कार में, दुल्हन की गाड़ी में। दुल्हन की गाड़ी में, दुल्हन के संग में जो और लेडीज बैठी हैं दो पीछे, उनके चोट भी आई है बहुत, शीशे लगे हैं उनके, और हार ले गए, और 1 लाख रुपए का हार था उसमें, और 1 चांदी का वो लड़की के गले में से उतार कर लेकर भाग गए। पीछे ही माला वाला रखी रहे ना शीशे में, तो ले गए होंगे माला वाला को, नहीं बता पीछे ही रख दे गाड़ी में। सारे बता रहे हैं अमन गार्डन, खुशी टाइम की चौकी के पास में ये इस रोड पे सीधे रोड पे चौकी के सामने वाला मेरे को ये बता रहे सीधे इस ना सीधा ही समझ रहे हैं इधर से मुड़ के आए थे इधर से आगे पर चले जाओ ऊपर चौकी के सामने डायरेक्ट वहाँ से हुआ।